सड़क व नालियों में बजबजा रहा है गंदा पानी, फैल सकते हैं भयंकर संक्रमण रोग। जनपद कानपुर नगर घाटमपुर ब्लॉक अंतर्गत जहां प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला रहे हैं, तो वहीं घाटमपुर ब्लॉक के सूखापुर गांव के मुख्य मार्ग में दूषित जल भरा हुआ है। नालियों में दूषित जल के कारण दुर्गंध आती है, नालियां कीचड़ से बजबजा रही हैं, जल के निकास की व्यवस्था नहीं है। वहां के निवासी बीनू सविता ने बताया कि सफाई कर्मचारी हफ्ते में एक दो बार चक्कर लगा जाता है और फरफरा कर काम निपटा देता है। इस सड़क किनारे की नाली में महीनों से सफाई नहीं हुई है। सड़क किनारे बड़ी बड़ी घास उग रही है। इस गली में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस मुख्य मार्ग से कई गांव के लोगों का आवागमन रहता है। नालियों के किनारे बड़ी बड़ी घास और सड़क व नालियों में एकत्रित पानी सफाई कर्मचारियों के द्वारा सफाई साफ की व्यवस्था को बयां कर रहा है। इस दूषित जल के कारण भयानक रोग उत्पन्न हो सकते हैं।